मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं किंगडम ऑफ मोरक्को की। मोरक्को जो कि शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम मुल्क है, जहां मुसलमानों की तादाद 99% है और मुसलमानों की तकरीबन अक्सरियत सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। मोरक्को को अमूमी तौर पर अल मगरिब या मराकश के नाम से याद किया जाता है। बुहेराए ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाके इस मुल्क की सरहद आबनाए जबले तारक, जिसे जिब्राल्टर भी कहते हैं, पर जाकर बुहेराए रूम से जा मिलती है। मराकश के मशरिक की जानब अलजजायर यानी अल्जीरिया, शुमाल की जानब से समुद्री हदूद स्पेन से मिलती है। मगरब में बुहेराए ओकियानूस, जबकि इसके जनूब की जानब 50 सालों से मुतनाज़े इलाका मगरबी सहारा वाके है। चूंकि मगरबी सहारा के बेशतर हिस्से पर मराकश का कब्जा है, इस लिहाज से जनूब की जानब मराकश की सरहद इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से जा मिलती है। तारीखी बुक फतह अफ्रीका का मुतालिया करने पर पता चलता है कि शुमाली अफ्रीका का यह मुल्क 225 कबले मसीह में माउरी लोगों का मुल्क मोरितानिया का हिस्सा हुआ करता था। इस्लाम के अफ्रीका में दाखिले से कबल यह खिता रूमी सल्तनत का सूबा हुआ करता था। रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद यानी 5वीं सदी ईस्वी में मराकश का यह इलाका वेंदलेज, वैजुगोत और बाजंतीनी यूनानियों के कब्जे में चला गया। इस दौर में भी मराकश के वो इलाके आजाद रहे जहां बर्बर खानदान के लोगों की अक्सरियत थी। बर्बर खानदान तारीख में ताकतवर तरीन खानदान जाना जाता है। ये वो खानदान था जिसने कायम होने वाली किसी भी सल्तनत के खिलाफ सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया था। खिलाफत उमविया के दौर में उमवी हुकूमत का जर्नैल उकबा बिन नाफे शुमाली अफ्रीका को फतेह करता हुआ मराकश पहुंचा और 683 ईस्वी तक तकरीबन जदीद मराकश का सारा इलाका फतेह कर लिया था। मराकश की फतह के बाद मुकामी बर्बर आबादी की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। बर्बर लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार बगावत कर रहे थे। अफ्रीका में जब मूसा बिन नसीर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर लोगों में घुल मिलकर उन्हें यकीन दिलवाया कि जिस तरह तुम्हारे लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, इसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। उन्हीं की दावत तबलीग की बदौलत बर्बर आबादी की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मूसा बिन नसीर के फौजी कमांडर तारक बिन ज़ियाद खुद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते थे। यही वो वक्त था जब तारक बिन ज़ियाद ने 7,000 की बर्बर फौज तैयार की और उन्हें दीनी और फौजी तरबियत दी और उन्हें एक बड़े मार्के के लिए तैयार किया था। और यही वो वक्त था जब मूसा बिन नसीर और तारक बिन ज़ियाद की कोशिशों से बर्बर कबाइल को मुतहिद किया गया था। बर्बर कबाइल को मुतहिद करना और इनके दिलों में जज्बा जहाद पैदा करना फतह उंदलस का पहला मरहला था जो उन्होंने मुकम्मल कर लिया था। हस्पानिया का जनूबी इलाका जो जिब्राल्टर के मशरक की जानब था, काउंट जूलियन की मसीही हुकूमत के जेरे असर था। उंदलस में रॉड्रिक का जुल्म वाज़े नजर आता था। वहां ना सिर्फ यहूदी बल्कि गाथ कौम भी बादशाह से तंग थी। उमरा भी बादशाह से तंग आए हुए थे, यहां तक कि मुआशरा मुकम्मल गल सड़ गया था। मूसा ने काउंट जूलियन से मुलाकात की, हालात को जांचा, काउंट जूलियन के उंदलस पर हमले की दावत को कबूल कर लिया। 30 अप्रैल 711 ईस्वी का वो सुनहरा दिन था जब तारक बिन ज़ियाद ने 7,000 की बर्बर फौज के हमरा उंदलस में अपनी कश्तियां उतारी और अपने मुजाहदों से कश्तियां जलाने को कहा गया। एक माह के बाद मुसलमानों का मुकाबला बादशाह रॉड्रक से हुआ। रॉड्रक की मौत के बाद मुकम्मल उंदलस पर इस्लामी परचम लहराया जाने लगा। उंदलस की इस्लामी तारीख और इस्लामी वाकयात से मैं आप लोगों को फिर कभी वीडियो की सूरत में आगाह करूंगा। बात हो रही है मराकश की, तो आप लोगों को बताता चलूं कि मूसा बिन नसीर ने उंदलस पर हमले की इजाजत खलीफा वलीद ओवल से नहीं ली थी। मूसा के मुखालफीन ने खलीफा को मूसा के खिलाफ भड़काया तो खलीफा ने मूसा और तारक बिन ज़ियाद को वापस आने का हुक्म जारी किया। तारीख में इस्लाम के इन बहादुर सिपाहियों की अमवात छुपाई गई हैं। तारक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासम जैसे ऐसे कई हुक्मरान थे जिनको खलीफा वक्त की जानब से गलत किए गए फैसलों की वजह से अब्दी नींद सुला दिया गया था। तारीख में मूसा बिन नसीर इस्लामी हुकूमत का वो हुक्मरान था जिसने जंगों में सबसे ज्यादा सोना, हीरे और जवाहरात जमा किए थे। वापस आने पर मूसा बिन नसीर को जेल की सजा हो गई। मूसा बिन नसीर की नहायत गुर्बत में मौत वाके हुई। आपके बेटे को, जिसे आप अफ्रीका का अमीर बनाकर आए थे, खलीफा की जानब से कत्ल करवा दिया गया था। आपसी नाइतफाकियों की वजह से सल्तनत उमविया अपने इख्तिताम को जा पहुंची और खिलाफत अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। खिलाफत अब्बासिया के दौर में मराकश मरकजी हुकूमत से निकल गया
और यहाँ अदरीस बिन अब्दुल्ला ने अदरीसी सल्तनत की बुनियाद रखी। अदरीसियों ने फास को अपना दारुल हुकूमत बनाया और मराकश को तालीम व हुनर का मरकज बना दिया। 788 ईस्वी में कायम की गई अदरीसी सल्तनत तारीख इस्लाम में शियों की जानब से कायम करदा पहली सल्तनत थी। अदरीस की वफात के बाद आपके बेटे अदरीस दोम ने शहर फैज की बुनियाद रखी। तारीखी हवालों से यह शहर आज भी मराकश की पहचान बना हुआ है। अदरीसी सल्तनत का खात्मा उस वक्त हुआ जब बर्बरियों की बगावतों, हस्पानिया के उमवियों और त्यूनस के फातमियों ने अदरीसी सल्तनत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। सकूत गरनाता के बाद स्पेन में मुसलमानों के इकदार का सूरज गुरूब हो गया। ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों पर मजालम के पहाड़ तोड़ दिए। स्पेन के ईसाइयों के मजालम से तंग आकर स्पेन के मुसलमान और यहूदी मराकश और शुमाली अफ्रीका के दीगर ममालिक में फैल गए। 1060 ईस्वी से 1549 ईस्वी तक बर्बर खानदान के हुक्मरान मराकश और गिरदोनवा के इलाकों पर हुकूमत करते रहे। 1549 में सादी खानदान की हुकूमत कायम की गई। सादी खानदान की हुकूमत का खात्मा 1666 ईस्वी में अलावी खानदान ने किया और आज तक यही खानदान मराकश पर हुकूमत कर रहा है। अलावी खानदान और दीगर मुस्लिम खानदानों की आपसी नाइतफाकियों और इकतदार से चिमटे रहने का अंजाम यह हुआ कि मराकश और शुमाली अफ्रीका के ममालिक पर फ्रांसीसी और हस्पानवी काबज होना शुरू हो गए। 1912 में फ्रांसीसी और हस्पानवी मुकम्मल तरह से मराकश पर काबिज हो गए थे। मराकश पर यूरोपियों के काबज होने की बड़ी वजूहात में मराकश का महल वकू और अफ्रीका का सबसे दौलतमंद मुल्क होना था। दूसरी जंग अजीम में मराकश के अलावा अफ्रीका के दीगर कई ममालक को आज़ादी मिलना शुरू हो गई। मराकश की इस्तकलाल पार्टी ने 1944 में अवामी सतह पर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। 1953 में सुल्तान मोहम्मद पंजम को मुल्क बदर करके उन्हें मडगास्कर भेज दिया गया। उनके जलावतन होने के बाद मुल्क में फ्रांसीसी और दीगर यूरोपीय आबादियों पर हमले होने शुरू हो गए। 1955 में आर्मी डी लिब्रेशन कायम की गई। इस कमेटी का मकसद सुल्तान मोहम्मद पंजम की वतन वापसी और अलजायर और त्यूनस की आज़ादी था। बिलाखर फ्रांस ने सुल्तान मोहम्मद पंजम की वतन वापसी को कबूल कर लिया और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। ये इनकलाब इनकलाबे शाहो अवाम कहलाया जाता है जिसे मराकश में हर साल 20 अगस्त के रोज मनाया जाता है। मराकश की आज़ादी की तहरीक में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। तारीख में आया है कि 1952 में जब सुल्तान मोहम्मद पंजम ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीख आज़ादी के सरगर्म लीडर अहमद अब्दुस्सलाम बिलफर्ज को भेजा। अब्दुस्सलाम बिलफर्ज जब मराकश की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हुए तो वहाँ मौजूद फ्रांसीसी नुमाइंदे ने बिलफर्ज को यह कहकर खिताब करने से रोक दिया था कि मराकश चूंकि एक फ्रांसीसी कॉलोनी है इसीलिए इस प्लेटफार्म पर मराकश के बारे में बोलने की तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्ला भी शामिल थे। जब उन्होंने एक मुसलमान रहनुमा के साथ एक फ्रांसीसी नुमाइंदे का हद तक अमेर सलूक देखा तो अहमद बिलफर्ज को पाकिस्तानी शहरियत देने की पेशकश की और रात गए न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना खुलवाकर अहमद बिलफर्ज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया। और इसी तरह अगले रोज अहमद ने पाकिस्तानी चेयर से जनरल असम्बली में खिताब करके मराकश की फ्रांसी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। अहमद के इस खिताब से मराकश में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ लिया और फ्रांस ने सुल्तान मोहम्मद पंजम को मुल्क बदर कर दिया। सुल्तान की जब वतन वापसी हुई और फ्रांस मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ तो फ्रांस हुकूमत मराकश की आज़ादी पर रजामंद हो गई। 19 नवंबर 1956 को मराकश फ्रांसीसी तसल्लत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मराकश के बादशाह सुल्तान मोहम्मद पंजम ने अहमद अब्दुस्सलाम बिलफर्ज को मराकश का पहला वजीर आज़म नामजद किया। आज अहमद बिलफर्ज दुनिया में नहीं मगर जब तक वो मुल्क के वजीर आज़म के ओहदे पर रहे उन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कापी या वीज़ा रखी। वो अपने दफ्तर में आने वाले हर शख्स को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाकर बड़े फख्र से बताते थे कि मराकश की आज़ादी की तहरीक में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट ने उनकी बड़ी मदद की है। शायद यही वजह है कि तुर्की के बाद मराकश के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मराकश मोरितानिया और हस्पानिया यानी स्पेन के दरमियान 70 की दहाई से मगरबी सहारा का मसला उलझन का शिकार है मगर चूंकि इसके ज्यादातर हिस्से पर मराकश का कब्जा है और वहां मराकश हुकूमत कायम है तो मगरबी सहारा का वो इलाका मराकश का कुल मिलाकर मजमूई रकबा 710,850 मरबा किलोमीटर बनता है। अपने रकबे के एतबार से मराकश दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक
3,57,40,000 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 39वां नंबर था। 1997 में मंजूर शुदा कानून के मुताबिक मराकश को 16 नए इलाकों में तकसीम किया गया। हर इलाके को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया जिन्हें सूबे कहते हैं। मराकश को इंतजामी लिहाज से कुल 61 सूबों में तकसीम किया गया है। हर इलाके का सरबराह वाली कहलाता है जिसे बादशाह वक्त मुकरर करता है। बादशाह को मुल्क में अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा जाता है। मराकश की 40% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। मराकश गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। जैतून की पैदावार के हवाले से ये दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। टमाटर की पैदावार के हवाले से दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क। ऑरेंज की पैदावार के हवाले से दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क। जौ की पैदावार के हवाले से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क। बादाम की पैदावार के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। स्ट्रिंग बीन यानी लोबिया फली की पैदावार के हवाले से दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क। स्ट्रॉबेरी की पैदावार के हवाले से दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क। तरबूज की पैदावार के हवाले से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। इन फसलों और फलों के अलावा दीगर कई इकसाम के फल और फसलें मराकश में बहुत ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं। ज़राअत के अलावा माहीगिरी और पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से मराकश अपना एक अलग नाम रखता है। मुल्क के जनूबी हिस्से में तेल के वाफर ज़खायर तो दरियाफ्त हुए हैं, मगर सहूलियात की कमी की वजह से अभी तक तेल महंगे दामों दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ता है। यही मराकश का अभी तक एक बड़ा मसला बना हुआ है। जबकि सोने, लोहे और हीरों की माइनिंग के हवाले से मराकश अच्छा खासा जाना जाता है। इन सब के अलावा सियाहत का शोबा मुल्की आमदनी को बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। साल 2008 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 80 लाख अफराद थी। मराकश को अफ्रीका में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क कहा जाता है, क्योंकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक मराकश में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,30,00,000 अफराद थी, जबकि अफ्रीका में दूसरा सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क जनूबी अफ्रीका था, जहां इस साल 95,00,000 अफराद ने सफर किया था। मराकश में वाके मस्जिद कुतबिया, मदीना ऑफ मराकश, एक तारीखी किला कस्बा और दीगर कई तारीखी मुकामात ऐसे हैं जिन्हें देखने हर साल यूरोपियों की एक बड़ी तादाद अप्रैल और मई के माह में उमड़ आती है। मराकश में मौजूद कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तादाद 9 है। मराकश वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है और मराकश की पाकिस्तान से दूरी 7,112 किलोमीटर बनती है, जबकि हवाई जहाज पर यह सफर सिर्फ 4,500 किलोमीटर रह जाता है, जिसे सिर्फ 8 से 10 घंटों के सफर करने पर बआसानी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान से मराकश जाने के लिए वीजे की जरूरत होती है। ये वीजा आप पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मराकश की एम्बेसी या कराची में मराकश के कौंसुलेट से हासिल कर सकते हैं, जिसकी सिंगल एंट्री फीस 2,400 रुपए है। रबात शहर मराकश का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का रकबा 117 मरबा किलोमीटर है और ये शहर अपने अंदर तकरीबन 13,00,000 अफराद को समोए हुए है, जबकि मराकश का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज कासाब्लांका को हासिल है, जिसे उर्दू में दारुल बेजा कहा जाता है। इस शहर का रकबा 220 मरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 34,00,000 अफराद की है। 7वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाले इस शहर को बंदरगाह के साथ कायम होने की वजह से सदियों से मराकश में मोतबर मुकाम हासिल है। अरबी और बर्बरी जुबान को इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान होने का एजाज हासिल है, जबकि दीगर मकबूल तरीन जुबानों में मराकशी अरबी, तशहीलियत, तमाजीत, हसनिया और रफाइन शामिल हैं। अंग्रेजी, हस्पानवी और फ्रांसीसी जुबानों का बहुत कम असर मराकश में देखने को मिलता है। मराकश में मुसलमानों की तादाद 99% है। मुसलमानों की यह आबादी सुन्नी मुस्लिम है, जबकि मराकश में 0.8% मसीही आबादी और 0.2% यहूदी भी आबाद हैं। ईरान और मराकश के दरमियान ताल्लुकात कभी भी मजबूत नहीं रहे। मराकश में मौजूद ईरान के सफारतखाने पर इल्ज़ाम है कि वो मराकश में शिया मजहब को फ़रोग दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान में वाके मराकशी सफीर को मराकश वापस बुलाकर ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया गया है। मराकश का कॉलिंग कोड +212 और डोमेन नेम MA है। मराकश में चलने वाली करेंसी को मराकशी दिरहम कहा जाता है। मराकश का एक दिरहम पाकिस्तानी 12.25 रुपयों जबकि 7.12 इंडियन रुपयों के बराबर है। मराकश की 99% आबादी बर्बर और अरब बर्बर लोगों की है, जबकि सिर्फ 1% आबादी ही दूसरे कबीलों और उन यूरोपियों की है जो आज़ादी से कबल मराकश में आ गए थे।
फुटबॉल मराकश का सबसे मकबूल खेल है। 1986 में मराकश फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 2 में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क था। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, क्रिकेट और हॉकी दीगर मकबूल तरीन खेले हैं। मराकश में तालीम की शरह 87.78% है। 2017 से फ्रांसीसी जुबान को निसाब में शामिल किया गया है और तालीम की तरफ पिछले 30 सालों से भरपूर तवज्जो दी गई है। उम्मीद की जाती है कि साल 2025 तक मराकश में तालीम की शरह 100% हो जाएगी। मराकश में इंसान की औसतन उम्र 74 साल और मुल्क का 6% बजट सेहत की सहूलियात पर खर्च किया जाता है। मराकश के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जिसे सहारा या सहराए आजम कहा जाता है, इस सहरा का ज्यादातर हिस्सा मराकश में ही आता है। हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मराकश में ज़राअत के हवाले से सभी अशिया का बता चुके हैं, लेकिन जो एक बात मराकश के बारे में मजीद नुमाया है वो ये कि मराकश 90,000 मैट्रिक टन खजूर दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। मराकश खजूर की क्वालिटी में अपना एक अलग नाम रखता है। दुनिया में खजूर पैदा करने वाले ममालिक में पहला नंबर मिस्र का है, दूसरे नंबर पर ईरान, फिर सऊदी अरब और फिर इराक आते हैं, जबकि खजूर की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया भर में 5वां नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल 5,56,608 मैट्रिक टन खजूर पैदा करता है। ग्रीन टी को मराकश का कौमी और सबसे मकबूल मशरूब होने का एजाज हासिल है। यही शरबत हर घर आए मेहमान को लाजमी पिलाया जाता है। मराकश यूरोप के इंतहाई करीब है। मराकश से यूरोप दाखिले के लिए आपको सिर्फ 8 मील यानी 12.87 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। पैसा हाथों की मैल है या पैसा दुनिया की धूल है, ये फिक्रा आपने सिर्फ सुन रखा होगा, लेकिन मराकश में लोग पैसे को दुनिया की धूल ही कहते हैं। कसकस, जिसे बर्बरी जुबान में सकीसो भी कहा जाता है, इस मुल्क की सबसे पसंदीदा और कौमी डिश है। चावलों, गोश्त और सब्जियों के मिलाप से तैयार की गई इस डिश के साथ जब ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है तो इस डिश का मजा दुबाला हो जाता है। दरियाए फैज के किनारे द्रीसी सल्तनत के दौर में तामीर किया गया फैज शहर दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है जिसने 13 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी अपना मुकाम नहीं खोया। ये दुनिया के कदीम तरीन मुतहरक शहरों में से एक है। मराकश में खानों के साथ या ज्यादातर दही के साथ जिस रोटी नुमा ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है इसे अल खुब्ज कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में गैर मुल्की इसे मराकशी ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। बर्बरी शेर इस मुल्क का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। मराकश में अगर किसी औरत का खाविंद वफात पा जाता है तो वो औरत 40 दिन तक सफेद कपड़े पहनती है। मराकश दुनिया में हशीश पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मराकश में सैकड़ों घरों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यही होता है। मराकश शहर मराकश का 4था सबसे बड़ा शहर है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 9.5 लाख अफराद है। इस शहर को दुनिया रेड सिटी के नाम से जानती है। मराकश दुनिया में सर्डीना मछली पैदा करने और एक्सपोर्ट करने वाले से सबसे बड़ा मुल्क है। मस्जिद हसन सानी मराकश के शहर कासाब्लांका में वाके दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए 30,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। इस मस्जिद में बेक वक्त 80,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद करोवीन दुनिया की पहली जामिया थी जहां नमाज और दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। उंदलस में जब मुसलमानों का कब्जा था तो यही वो खिता था जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा काबिल इंसान पैदा किए थे। उंदलस के बाद सबसे ज्यादा काबिल इंसान पैदा करने का एजाज सल्तनत उस्मानिया के पास था। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज का इंसान इस कदर तरक्की कर गया है। दुनिया का कदीम तरीन स्याह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जिसे इब्ने बतूता के नाम से दुनिया में शोहरत मिली, दुनिया का वो पहला स्याह था जिसने अदब, तारीख और जोग्राफिया की तालीम हासिल करने के बाद 21 साल की उम्र में पहला हज किया, जिसके बाद इसके शौके सियाहत ने इसे रूस और तुर्की तक पहुंचा दिया। इब्ने बतूता ने 4 बार हज बैतुल्ला किया। अरब, ईरान, शाम, फलस्तीन, हिंदुस्तान और चीन के अलावा दुनिया के बेशुमार ममालिक का सफर किया। 28 साल की उम्र में उसने 75,000 किलोमीटर का सफर कर लिया था। आखिर में फारस के बादशाह अबुल हनान के कहने पर अपने सफरनामे को किताबी शक्ल में तहरीर किया। ये किताब मुख्तलिफ ममालिक के तारीखी और जुग्राफियाई हालात का मजमुआ है। इब्ने बतूता के नाम से तो शायद हर कोई वाकिफ हो,
मगर शायद आप इस बात से लाइल्म हों कि इब्ने बतूता मराकश के शहर तंजा में पैदा हुआ था और मराकश में ही इसने वफात पाई थी। मराकश अफ्रीका का वो वाहिद मुल्क है जो अफ्रीकी यूनियन का मेंबर नहीं है। मराकश के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का बबरकत महीना चल रहा है, रोजी की वजह से मैं वीडियो बनाने में ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि रमजान के इस माह में जितने मुस्लिम मालिक की आप लोगों को सैर करवा सकूं करवा दूं, बाकी फिर वक्फे वक्फे से करवाता रहूंगा। आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर जरूर शेयर करेंगे और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी दबाएंगे। आपका मुझसे कोई गिला शिकवा या शिकायत हो या कोई ऐसी तजवीज जिससे हम वीडियोज में मजीद बेहतरी ला सकें, बजरिया कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।